हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ICAR, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपकी सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू होने जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं एग्री मंत्रा चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर फील्ड की जॉब नोटिफिकेशन और एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है ICAR, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 12 नौ को वॉक इन होने जा रहा था, वो पोस्टपोन्ड हो गया और वो 19 नौ को होगा। मतलब 19 सितंबर को दोस्तों आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो जानेंगे कौन कौन से एग्रीकल्चर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, यहाँ जाके आप पूरा नोटिफिकेशन का बायवा ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप इसका ब्यौरा ले सकते हैं। आगे जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पर एक पोस्ट है, जो कि 19 नौ को आपका इंटरव्यू होगा। आपको 9:15 पे रिपोर्ट कर देना है वहाँ पे, जिसमें दोस्तों PhD मांगा है, ठीक है। और बाकी आगे बात कर लेते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का है, ये है दोस्तों YP2 की 1 वैकेंसी, 19 नौ को होगा। मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी अगर आपके पास है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ का दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है सॉइल सैम्पलिंग का, तो वो वहाँ पर मांगा गया है। YP2 की बात करेंगे, एक वैकेंसी है, 19 नौ को दोस्तों इंटरव्यू होगा, 9:15 पहुँच जाना है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मतलब BTech और सॉरी MTech वाले यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों केवल आपके पास नॉर्मली नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आगे बात करेंगे तो YP2 की 2 वैकेंसी हैं, 19 नौ को दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, कोई इसमें स्पेशल चीज़ें नहीं मांगी दोस्तों, और कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों YP2 की एक और वैकेंसी है, 19 नौ को इंटरव्यू होना है। ग्रेजुएट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर या BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड विद एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। YP2 की वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी है, 19 नौ को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो RA की पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसमें 38,000 और आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा, HRA मिलता रहेगा इसमें। और ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है यहाँ पे। और YP2 की बात करेंगे, 1 वैकेंसी, 25,000 आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, जो YP2 की दूसरी वैकेंसी है, इसमें भी दोस्तों आपके नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं, 25,000 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी हैं, YP2 की 5 हैं, YP2 की 1 है, 6 और 1 7 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे नो TADA विल अप्लीकेबल दोस्तों, यहाँ पर TADA आपको नहीं मिलेगा और सीधे आपको वॉक इंटरव्यू देना है, जो आपको टाइम और वेन्यू बताया गया है। वेन्यू दोस्तों आपका यही रहेगा जो आपको मैंने बताया था, वेन्यू आपका है ये, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ICAR NAARM, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, तेलंगाना आपका वेन्यू रहेगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि आपकी है NAARM की तरफ से। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट को इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।